back to your favorite YouTube channel, IIT Zone Tutorial, and I'm Shubhash with us. Today I'm going to give you a surprise. And that surprise is, today I'm not going to discuss physics in this video. Rather, I'm trying something new, which is mathematics. Don't get confused. ऐसा नहीं सोचो कि मैंने physics पढ़ाना छोड़ के maths की तरफ switch over किया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Physics is definitely my subject. Maths is just my liking. मैं maths को पसंद करता हूँ करना. और चूँकि physics में काफ़ी numericals हम लोगों को कराना पड़ता है, तो ये वजह है कि physics पढ़ाने के साथ साथ maths पर भी थोड़ा सा ही सही लेकिन दिलचस्पी रहता है, खासकर मेरे जैसे physics teachers का. तो यही वजह है कि मैं कम बेसी maths भी डिस्कस करते रहता हूँ, अपना पढ़ाई करते रहता हूँ. और मैंने सोचा कि चूँकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बना वीडियो है, तो YouTube, तो ऐसे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनके पास क्लासरूम कोचिंग का साधन नहीं होता है, जिसके आसपास एक प्रोफेशनल कोचिंग या प्रोफेशनल ट्यूटर का अवेलेबिलिटी बहुत जगह में नहीं है. तो वैसे बच्चे भी जो तैयारी करते हैं, तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि आज के डेट में वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट फीलिंग फॉर देम, मैंने डिसाइड किया कि कुछ मैथ्स का भी वीडियो बनाऊंगा. हालांकि उसका परसेंटेज फिजिक्स के साथ कभी भी 1:1 नहीं होगा, जो खासकर इस चैनल में फिजिक्स वीडियो का वेट करते हैं उनको कहना चाहूँगा कि फिजिक्स वीडियो का ही नंबर्स वेटेज हमेशा ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. बट थोड़ा कुछ चेंजेस के लिए थोड़ा सा कुछ मैथ्स का वीडियो भी होगा. सो लेट्स डिस्कस. आज एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें एक मैथमेटिकल फंक्शन एफ ऑफ एक्स x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. मुझे इस फंक्शन का रेंज पे बात करना है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब आप जानते हो कि x का जो डोमेन वैल्यूज है, विद इन द डोमेन वैल्यूज रेंज का क्या वैल्यू हो सकता है. तो फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है, फॉर द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन का जो है डिनोमिनेटर है ना, x² + x + 1, ये नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जीरो होगा तो एनीथिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड. सो y अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैं ऐसा वैल्यू ऑफ x नहीं ले सकता हूँ जो कि डिनोमिनेटर को क्या कर देता है, जीरो बना देता. लेट्स चेक दैट विद इन द रियल वैल्यू, इन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या ऐसा कोई एक्स परमिसेबल है जो डिनोमिनेटर को जीरो बना सकता है. सो लेट्स सी, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ. देखो, इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ, x² × 2 × x × ½ + 1/4, ये एक पार्ट हो जाएगा, प्लस 1 - 1/4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो. मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए एक a + b² का फॉर्मेट लाया, जिसमें इसको a² इसको 2ab टर्म बनाया. तो यहाँ x था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि वो 2ab फॉर्म को रीच करे, और फिर b हो गया हाफ, यानी कि उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/4. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x + 1/2² प्लस दिस इज 3/4 इक्वल्स टू ज़ीरो. तो इससे पता चल रहा है कि x का कुछ भी वैल्यू, सिंस यहाँ से एक और आर्गूमेंट कर सकते हैं, सिंस x + 1/2² चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रियल एक्सप्रेशन है, तो ये कुछ भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. इसका वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसका मतलब है कि इसका अगर मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, डिनोमिनेटर कितना है, 3/4. यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ज़ीरो All real values are the domain members. ठीक है ना, जितना real value है
सभी डोमेन मेंबर्स होगा, यानी कि x का ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि अगर x का सभी रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो व्हाट कैन बी द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ y, क्या होगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वाई एक्स स्क्वायर मतलब y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और न्यूमरेटर में इधर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। चूँकि मुझे x का सॉल्यूशन सेट पता चल गया, ऑल रियल वैल्यूज कैन सेटिस्फाई दिस, तो इसको क्वाड्रेटिक ऑफ अगर x बनाते हैं तो y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, है ना। मैं क्या किया, आर एच एस से सब टर्म को एल एच एस में लाया, और फिर जो कॉमन टर्म है उस हिसाब से इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया वाई माइनस वन, इसमें से एक्स को कॉमन लिया तो वाई माइनस वन, और ये वाई माइनस टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यू दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सिंस दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। सभी रियल वैल्यू ऑफ एक्स से अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसका करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इसका फर्दर मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये बी हुआ, ये ए और ये सी, तो बी स्क्वायर यानी वाई माइनस होल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो y माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस वन कॉमन हो जाता है तो नेक्स्ट क्या रहेगा, y माइनस वन माइनस फोर इंटू वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो y माइनस फोर वाई यानी माइनस थ्री वाई, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस वन और इधर कितना प्लस एट, माइनस वन प्लस एट यानी प्लस सेवन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर हो गया माइनस थ्री वाई प्लस सेवन। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ y माइनस वन और y का कोफिशियन को पॉजिटिव बना दूँ तो ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस सेवन, और जो माइनस कॉमन आना चाहिए उसको मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करके ये जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था उसको लेस देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। यहाँ से जो माइनस वन आना चाहिए था मैं उस माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया दो लीनियर फैक्टर y माइनस वन एंड थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो नंबर लाइन सिस्टम में अगर y का दो वैल्यू को डालते हैं तो y का एक वैल्यू वन दूसरा वैल्यू सेवन बाई थ्री, सो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स विद द पॉजिटिव कोफिशियंट ऑफ y एंड देयर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जो नेगेटिव है ये इंटरवल नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ये इन बिटवीन वन टू सेवन बाई थ्री आना चाहिए। तो y का वैल्यू इसका मतलब हुआ कि मैं हम लोग लिख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड वन टू सेवन बाई थ्री, ठीक है, क्लोज्ड वन टू सेवन बाई थ्री विल बी द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी कि इस फंक्शन का रेंज हुआ क्लोज्ड वन टू सेवन बाई थ्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वन का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ जो जो परमिसेबल वैल्यू है परमिसेबल इंटरवल में, है ना, तो परमिसेबल इंटरवल में हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि ये जो न्यूमरेटर है, देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऐसे भी लिख सकते थे, इसको एक और सिंपल आर्गुमेंट कर सकते थे कि जो देखो दूसरा पार्ट था कि वाई को मैं अगर ऐसा लिख देता कि
1 by x square, सॉरी मैं ऐसा लिख सकता था, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता x square plus x plus 1 plus 1 है ना, and that divided by x square plus x plus 1, तो यहाँ से भी एक argument बन सकता था क्योंकि x square plus x plus 1 by this, that could have been written 1 plus 1 divided by ये, तो ये वाला expression मैंने simplify करके develop किया था, that was x plus half होल स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसे आया था ना। तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू को अगर मैं मिनिमम, ये काफ़ी ज़्यादा अगर टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं तो दिस पार्ट विल बी ज़ीरो, यानी मिनिमम वैल्यू इज़ 1, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 1 जब होगा तब ये वैल्यू टेंस टू ज़ीरो है, ठीक है ना। तो और दूसरा है कि मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ये जब जीरो होगा देन दिस पार्ट विल बी 1/3/4, एनी लौट देंगे तो 4/3, तो वहाँ से भी 7/3 आ जाता है। तो रेंज हो गया इसका 1 to 7/3, ठीक है। आई होप ये जितना समझ में आया उसके हिसाब से यू मस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो एज फार सो फार एज इन फीडबैक। दिस फीडबैक इज़ नेसेसरी फॉर मी दैट according to your feedback, I'll be able to continue the mathematic videos for you, and at the same time उसमें किस तरह का changes लाना है, किस तरह का चीज़ आप expect करते हो, वो आप अपने comment में ज़रूर लिखो। okay, thank you।